क्या कह रही हो शमा? हाँ अल्तमश, हम भी यही सोचकर हैरान हैं कि गौतमी सबको बेवकूफ बनाती रही, यहाँ तक कि हम भी उसकी सच्चाई को समझ नहीं सके। इतना बड़ा खेल खेला उस गौतमी ने। हाँ हम भी यही सोचकर परेशान हैं। सबने यही सोचा था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। डॉक्टर मंजुला सरदेसाई की रिपोर्ट सबके सामने टेबल पर पड़ी हुई थी और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि गौतमी प्रेग्नेंट है, जबकि घर में सबको शक था कि गौतमी तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन डॉक्टर मंजुला सरदेसाई की रिपोर्ट को देखकर सबके मुंह पर ताला जड़ गया। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गौतमी अपनी जगह कजरी का चेकअप करवाती थी। वाकई शमा, मानना पड़ेगा सबको झुकाने के लिए उस गौतमी ने क्या तरीका लगाया। हाँ, बिंदु ने एक बार ऋषि और गौतमी को बात करते हुए सुना था। ऋषि ने गौतमी को कभी हाथ भी नहीं लगाया और यही बात सबके शक की वजह बनी थी कि गौतमी तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, वो सब कुछ एक नाटक कर रही है। अब कम से कम ये सच्चाई मेरे सामने तो आ ही चुकी है कि गौतमी प्रेग्नेंट नहीं है। बस अब ये पता करना है कि ऋषि और गौतमी के रिश्ते की सच्चाई क्या है। लेकिन शमा, अब तुमने क्या सोचा है, क्या करना चाहिए? क्योंकि उसी बात को मुद्दा बनाकर गौतमी ऋषि के साथ शादी करना चाहती है। अगर ये शादी हो गई, पल्लवी के बच्चे का क्या होगा? पल्लवी से ज्यादा हमें उस बच्चे की फिक्र है। उस बच्चे का क्या गुनाह है कि उसे पिता का प्यार ना मिले? तो फिर लेकिन अब तुम क्या करोगी शमा? हम चाहे जो भी करें, उससे पहले गौतमी और ऋषि के रिश्ते की सच्चाई को पता करना जरूरी है। उसी के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आगे कौन सा कदम उठाना है। कहाँ थी अब तक और क्या कर रही थी? मम्मी जान के पैर दबा रही थी। इतनी रात तक पैर दबाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जान जब तक सो नहीं जाती, मैं यहाँ कैसे आ सकती थी? तुम्हें ये ख्याल नहीं आया तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा हो? कई ऐसे तो नहीं मुझसे दूर रहने की कोशिश में तुम जान मुझको देरी करती हो? नहीं, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? यानी इसी डर की वजह से तुम उसे दूर रहने की कोशिश करती हो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा, बताओ मुझे। वो मैं सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, तुम जब भी मेरे करीब आती हो तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। क्या इतना बुरा हूं मैं? इतना बुरा हूं? नहीं, अगर आप बुरे होते तो मैं यहां आपके पास नहीं होती। आप तो मेरे शौहर हैं। रहने दो, मुझे नहीं लगता
तुम दिल से मुझे अपना शोहर भी मानती हो। मैं तो यहां सिर्फ इसीलिए रह रही हूं कि अगर किसी ने मुझे आपसे अलग करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आपसे अलग होने से तो अच्छा है कि मैं आपकी बाहों में दम तोड़ दूं। देखो, मेरे लिए जान देने की कोई जरूरत नहीं, समझे? चलो मुस्कुराओ। चलो मुस्कुराओ। इतनी रात को जो लगातार घंटी बजाया जा रहा है। मैं देखती हूँ। तो ये बात है, मुझे तो लगा था कि तुझे मेरा हर वक्त इंतजार होगा, लेकिन तू तो जैसे मुझे भूल ही गया है। हाँ, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता अकबर, क्योंकि मैंने अपना बेटा खोया है। अपनी औकात में रहो कामरान, मेरे ही टुकड़ों में पलने वाले आज मुझे ही आंखें दिखाने चले हो तुम। पर उन रोटियों की कीमत अपने औलाद से चुकाने की शर्त नहीं हुई थी अकबर, और मैंने अपना बेटा खोया है। बेटा, पहले मुझे क्या पता था कि तेरा एक और परिवार भी है, तेरा एक बेटा भी है। इसीलिए मैं सोचा करता था औलाद को खोने का गम तुझे क्या पता होगा, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि तेरा तो एक बकायदा परिवार भी है, तेरा एक बेटा भी है। और देख, आज मैं तुझे उसी दर से रूबरू कराऊंगा जिस दर से मैं गुजरा था अकबर। क्या कह रहे हो तुम? होश में आओ कामरान, लगता है तुमने कोई नशा कर रखा है, वरना इस तरह पागल होकर मेरे घर के दहलीज में कदम रखने की जरूरत नहीं करते तुम। हाँ हाँ, पागल होने के बाद भी आया हूँ मैं अकबर, लेकिन कुछ मांगने छीनने या लूटने नहीं आया, बल्कि तुझे तुझे उस दर्द से रूबरू कराने आया हूं जिस दर्द से मैं गुजरा था। अब तू उसी तरह खून के आंसू रोएगा जिस तरह से मैं रोया था। हाँ, जिस तरह से मैं रोया था। कामरान! नहीं, तुम साली को नहीं मार सकते। तुम इनके बेटे को मारना चाहते हो ना, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दे रहे हो तुम? ये मेरे शौहर हैं। मैं कहता हूं हट जा सामने से लड़की, वरना तू भी बेबाक मारी जाएगी। इसका गुनाह ये है कि अकबर का बेटा है।
और तेरा गुनाह यह है कि तू अकबर के खानदान की बहू है। हट जा सामने से, मैं कहता हूं हट जा, मैं कहता हूं अब भी हट जा वरना मारी जाएगी तू। तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मैं सामने से नहीं हटूंगी। हट जा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं हट जा। नहीं, मैं हरगिज नहीं हटूंगी। मेरे जीते मेरे शोहर पर कोई आंच नहीं आ सकती। नहीं मानेगी तू, नहीं मानेगी तो ले। अम्मी जान, आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? जाइए डॉक्टर को फोन कीजिए, गोली बाहर को चीरते हुए निकली है। पता नहीं अंदर ही अंदर कितना जहर फैल गया होगा। जाइए। ठीक है सर, मैं करती हूँ डॉक्टर को फोन। लेकिन अगर उन्होंने ये सवाल कर दिया कि इसे गोली किसने मारी, तो क्या जवाब देंगे हम? जो भी जवाब देना पड़े, डॉक्टर को तो बुलाना ही पड़ेगा। मैं मानती हूँ साहिल की डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, लेकिन तू सोहा को बता दे कि डॉक्टर के सामने वो कामरान का नाम ना ले, नहीं तो कामरान को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और फिर पुलिस के सामने कामरान न जाने तुम्हारे अब्बू के बारे में क्या क्या बताएगा। ओके, इस तरह से हम डॉक्टर को ना बुलाएं, गोली बाहर को चीरते हुए निकली है। अगर सीने पे लगी होती ना, अब तक मर चुकी होती। क्या आप इस बात का इंतजार कर रही है? नहीं साहिल, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हारे अब्बू से भी बात की, वो भी इस बात को लेकर परेशान। जो भी डॉक्टर आएगा, उसे पता चलते कि इसे गोली लगी है, वो तुरंत पुलिस को फोन करेगा। अम्मी, आप क्या कहना चाहती है, खुल के बताइए ना। देखो बेटा, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि किसी भी बड़े डॉक्टर को ना बुलाया जाए। मैं कल सुबह इसे डॉक्टर के पास ले जाकर इंजेक्शन लगवा दूंगी। हाँ मीजा, अब ठीक कहती है, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, दर्द भी ठीक है। अब जाइए। आप इस तरह सब पे क्यों चिल्लाते रहते हैं? ये अपनी मजबूरियां होती हैं, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मेरे सामने क्यों आई थी तुम? क्या साबित करना चाहती थी? क्या दिखाना चाहती थी तुम? हाँ, बस इतना ही कि मेरे लिए मेरी सुहाग से बढ़कर कुछ भी नहीं। और आज तो आपको इस बात का यकीन हो गया होगा, मुझे मालूम है शोहर किसे कहते हैं, शोहर क्या होता है। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। आप सोए नहीं? अरे अब मुझे तुम्हारे बिना नींद कैसे आएगी? हमने आपको बताया था ना कि हमें जरूरी काम है, क्लिनिक का पूरा सेटअप लगवाना है। आप सो जाइए। अकेले अब तो नींद भी नहीं आएगी। तुम एक काम करो, मुझे लोरी गाकर सुला दो। जब मैं सो जाऊं उसके बाद तुम अपना सारा काम करती रहना।
देखो मेरी मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ। हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम ये सोच रहे कि हम आपको कौन सी लोरी गाकर सुनाए। ओके चलो मैं समझाता हूँ। छोड़िए छोड़िए हमें। फोन ये मोबाइल भी ना किसी मुसीबत से कम नहीं है। हेलो बोलो क्या रहा? मैंने उस काम को बखूबी अंजाम दे दिया है और अकबर सपने में भी सोच नहीं सकता कि ये काम मैंने आपके इशारे में किया। कहीं सोहा को गोली किसी ऐसी जगह तो नहीं लगी? मेरा निशाना कभी नहीं छूटता। गोली ठीक उसके कंधे को छूटी हुई निकल गई। आप उसकी परवाह बिल्कुल भी ना करें, आपकी सोहा को कुछ नहीं होगा। शुक्रिया कामरान। दरअसल शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, इसी बहाने आपने मुझे एहसान चुकाने का एक मौका तो दिया। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हुआ शम्मा, क्या कहा कामरान ने? हमारा प्लान कामयाब रहा। शमा जलती है, जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। खुदा हाफिज़। क्या हुआ शम्मा, क्या कहा कामरान ने? हमारा प्लान कामयाब रहा। गोली सोहा को ही लगी लेकिन उसकी बाह को छूती हुई निकल गई। साहिल की सोच को बदलने के लिए बस यही रास्ता था। हाँ शम्मा, कम से कम साहिल को इस बात का एहसास तो होगा कि शौहर और बीवी का रिश्ता क्या होता है, इस रिश्ते की अहमियत क्या होती है। बीवी तो शौहर के लिए खुद को कुर्बान कर देने का भी जज्बा रखती है, लेकिन साहिल जैसे शौहर को इस बात का एहसास इसी तरह दिलाया जा सकता है। हमारा ये प्लान तो कामयाब रहा जो अकबर चाचा जान को हिलाने के लिए काफी था। अब हमें अगले प्लान को कामयाब बनाना है। देख लेना शमा, सोहा को गोली लगी है या वो घायल होंगे, बड़े अबू इस बात की खबर भी हमें होने नहीं देंगे। साहिल, साहिल, ये साहिल कहाँ गया? अरे सोहा को बाह में जरा सी गोली क्या लग गई, कल रात से डॉक्टर को बुलाने की जिद कर बैठा है। क्या हो गया साहिल को? हम सोहा को इस घर में बहू बनाकर नहीं लाए हैं, उसका इस्तेमाल करने के लिए लाए हैं। आप समझाती क्यों नहीं उसे? मैंने समझाया था पर मेरे समझाने के बावजूद वो डॉक्टर से बात करने के लिए चला गया। पता नहीं सर, समझेगा ये लड़का, मुझे एक जरूरी काम है, मैं भी आता हूँ। कौन है आप लोग, क्या चाहिए आपको? आई एम प्रभात पांडे फ्रॉम क्राइम ब्रांच। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अकबर। ये क्या कह रहे हैं आप, मैंने क्या किया? हम आपको मिस्टर अख्तर अली के कब के जुर्म में गिरफ्तार करने आए। जिसे आपने धोखे से मार दिया था। आपके पास क्या सबूत? सारे सबूत सौंपे जा चुके हैं अब्बू जान।